हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवनी जैन आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अभी तक इनकम टैक्स में आपका रिफंड नहीं मिला है तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मैं आपकी वीडियो आज की वीडियो में यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर अगर आपको इनकम टैक्स में 143(1)(a) का नोटिस अगर आप मिलता है तो उसका कैसे आपको रिप्लाई करना है। बेसिकली एक नोटिस है जो कि एडजस्टमेंट के लिए नोटिस आपको आता है, प्रपोज एडजस्टमेंट का। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा कहीं आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर किसी अदर पर्सन की ना हो और आपको कम्युनिकेशन भी लाइन हो। 100% केसेस में ये जो एडजस्टमेंट का जो नोटिस है या इंटीमेशन है, ये आपकी ईमेल पर कम्युनिकेट होता है और आपको मैसेज भी आता है। और इसमें जब आप ये ईमेल चेक करेंगे तो इसमें आपको ड्रैग डाउन में नीचे लास्ट में लिखा मिलेगा कि क्या रीजन है, किस परपोज एडजस्टमेंट की बात की जा रही है, कि आपका जो रिफंड है वो होल्ड कर लिया गया है, अब उसमें से ये प्रॉपर एडजस्टमेंट करके इस पर जो टैक्स बनेगा वो उस रिफंड में से एडजस्ट कर दिया जाएगा। अगर बाकी बचा हुआ है तो आपको रिफंड इशू कर देंगे, और अगर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट आता है टैक्स का तो आपसे डिमांड आपको यहाँ पर जमा कराने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, तो किसी भी केस में आपको इसका रिप्लाई जरूर करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, 30 दिन का यहाँ पर टाइम दिया गया है, तो इंटीमेशन आने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको जो है रेस्पॉन्स सबमिट कर देना है। ठीक है, ऐसा भी हो जाता है कई बार, क्या होता है कि आपने जो रिटर्न फाइल करी है उसमें कोई मिस्टेक हो जाए, या फिर अगर आपकी ऑडिट एप्लीकेबल है तो ऑडिट रिपोर्ट और जो रिटर्न ऑफ इनकम है उनका जो डाटा है वो मिसमैचिंग है, तो आपको क्या करना होगा, पहले ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज कराना होगा, फिर उसके बाद आईटीआर को आपको सही करना पड़ेगा। किसी अदर रीजंस की वजह से भी आ सकता है एडजस्टमेंट का नोटिस, बट अगर आईटीआर में कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपने आईटीआर प्रॉपर तरीके से सही तरीके से फाइल की है तो फिर आपको कोई टेंशन लेने वाली रिक्वायरमेंट नहीं है। ये काफी सारे नोटिस ऐसे इशू करे गए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, तो हो सकता है कि कुछ ऐसा एरर हो गया हो कि आपको नोटिस मिला हो, तो पहले आपको चेक करना है नोटिस में क्या लिखा हुआ है। अब अगर हम इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो यहाँ पर जो है रिफंड के अमाउंट होल्ड कर लिया गया है और आईटीआर को प्रोसेस नहीं किया जा रहा है, जबकि आईटीआर प्रोसेस हो जानी चाहिए थी। यहाँ पर क्या लिखा गया है कि शेड्यूल पी 80P के अंडर में कोई डिडक्शन क्लेम करी गई है, 80P सबसेक्शन 2 क्लोज ई के अंडर में कैनोट बी क्लेम ऑन इनकम अदर देन रेंटल इनकम। तो यहाँ पर लिखा गया है कि आपने क्लेम की है और एक्चुअल में वो क्लेम नहीं होनी चाहिए अदर देन रेंटल इनकम। तो यहाँ पर ये पॉसिबल है कि इस केस में रेंटल इनकम कुछ भी नहीं है, बट यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनकम टैक्स रिटर्न में ये अमाउंट क्लेम की गई है एज पर कंप्यूटेड, क्योंकि आईटीआर कंप्यूट करता है अपने खुद के सीपीसी के थ्रू, कंप्यूटेशन के थ्रू, वहां पर जीरो आ रहा है, तो वेरियंस आ रहा है ये कि इस अमाउंट पे टैक्स पे कर दीजिए ऐसा आ रहा है, या फिर रिफंड में से एडजस्ट कर लेंगे। तो ये काफी सारी ऐसी मेल्स भेजी गई है जो कि मिस्टेकनली भी हो सकती है, और डिपार्टमेंट ने फर्दर इनका कम्युनिकेशन भी किया है, काफी सारे लोगों के पास कम्युनिकेशन आया है कि गलती से जो है मेल चली गई है, बट इसकी वजह से क्या है कि आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं की जा रही है। तो आपको क्या करना है, इनकम टैक्स की साइट पर लॉग इन करके इसका जो रेस्पॉन्स है वो सबमिट करना है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। जब आप यहाँ पर ओपन करेंगे फाइल के अंडर में, आपको व्यू टैक्स रिटर्न के अंडर में नोटिस मिल जाएगा पेंडिंग रेस्पॉन्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका रेस्पॉन्स सबमिट करना है। तो आप पेंडिंग एक्शन में जाएंगे और यहाँ पर ई प्रोसीडिंग्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन में डिटेल्स मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वी नोटिस पर आपको क्लिक करना है, वी नोटिस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा इस केस में जो है रेस्पॉन्स सबमिट हो चुका है, बट मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या ये नोटिस आया था और उसमें क्या यहाँ पर डिटेल्स अपलोड की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप करेंगे वो जो मैंने वेरियंस वाली बात थी वो यहाँ पर है, फिर आपको डिसएग्री करना है, यहाँ पर डिसएग्री सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको लिखना है कि आपने अगर कोई ऐसी अमाउंट क्लेम करी है या फिर जो भी आपने एरर है वो रेक्टिफाई कर दिया, वो आपको यहाँ पर लिखनी है। तो ये स्पेसिफिक केस वाली बात है कि आपको जो रिप्लाई है वो उस टाइप से सबमिट करना है कि आपकी किस टाइप की यहाँ पर एरर आई है, मतलब यहाँ पर ये कहा गया है कि आपकी एडजस्टमेंट करी जा रही है, तो पहले चेक करें कि कहीं ऐसा तो नहीं आपकी तरफ से मिस्टेक हो गई हो, तो उस मिस्टेक को पहले आपको रिमूव करना है। यहाँ पर इन्होंने बताया भी है कि एरर हो जाती है कई बार, क्या है जो ऑडिट रिपोर्ट है और जो आईटीआर है उसमें मिसमैचिंग हो जाती है, उसकी वजह से भी यहाँ पर ये एडजस्टमेंट की ईमेल आती है। तो पहले अगर आपकी गलती है आप एग्री करके उसको रेक्टिफाई करें, करेक्ट रिटर्न फाइल करें, फिर उसके बाद क्या है कि आपकी रिटर्न क्विकली प्रोसेस हो जाएगी। अगर आपने सबको सही तरीके से फाइल किया तो आप डिसएग्री करके रेस्पॉन्स सबमिट कर दें, उसके बाद आईटीआर प्रोसेस होगी, बट इस प्रोसेस में हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, बट इसमें क्या है कि आपका जो डाटा है वो सिक्योर हो जाएगा कि आपने करेक्ट डाटा को रिपोर्ट किया है, उसके बाद रिफंड में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, फ्यूचर में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप यहाँ पर ई प्रोसीडिंग्स के अंडर में जाकर चेक करते रहें कि कोई ऐसा नोटिस या कोई ऐसी चीज तो नहीं आ रही। दूसरा, माई प्रोफाइल में जाकर आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट रखें, तुरंत के तुरंत आईटीआर को सही तरीके से फाइल करें, और व्यू रिटर्न्स के अंडर में भी जब तक यहाँ पर आपको इंटीमेशन ऑर्डर नहीं मिल जाता तब तक आपकी आईटीआर कंप्लीट प्रोसेस नहीं मानी जाती है। तो आपका अगर रिफंड होल्ड है तो उसका भी एक रीजन ही हो सकता है, जल्दी जल्दी पेंडिंग एक्शन में जाकर एक बार वर्क लिस्ट में जाकर चेक कर लें, प्रोसीडिंग्स में जाकर चेक कर लें, रेस्पॉन्ड टू आउटस्टैंडिंग डिमांड्स में जाकर
आप एक बार इसको चेक कर लें कि कोई ऐसी डिमांड तो पेंडिंग नहीं है, क्योंकि तो क्या है कि जब तक कोई पुरानी डिमांड पेंडिंग है, कोई पुराना केस चल रहा है उसमें डिमांड आ रखी है या ई प्रोसीडिंग्स के अंडर में आपका केस है, तो आपकी रिटर्न प्रोसेस नहीं की जाएगी, आपका जो रिफंड है वो होल्ड रहेगा। इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि करेक्ट रिटर्न फाइल करेंगे तभी आपका जो है प्रोसेसिंग होगी, तभी आपको इंटीमेशन मिलेगा और तभी आपको रिफंड अलाउ किया जाएगा, अदरवाइज आपकी जो ये पेंडेंसी है ये रहेगी। 30 दिन के बाद तो यहाँ पर टाइम खत्म हो जाता है, उसके बाद क्या होगा कि जो डिपार्टमेंट है वो अपने अकॉर्डिंग अपनी जो डिमांड है वो सब एडजस्ट करके अगर कोई रिफंड बन रहा है तो वो भेज देंगे, वरना यहाँ पर जो है आउटस्टैंडिंग डिमांड जो है आपकी दोबारा से ओपन कर दी जाएगी इस साल के लिए भी। तो ऐसी कोई भी आपको गलती नहीं करनी है, अपनी रिटर्न को अपने डाटा को सही तरीके से रिपोर्ट करना है। ITR के लिए भी काफी सारी वीडियोज मैंने अपलोड की हुई अपने यूट्यूब चैनल पर, तो एक बार वीडियो जरूर देखिएगा। ITR फाइल करने से पहले काफी सारे प्रिकॉशंस, अपने बैंक स्टेटमेंट्स, GST के रिकंसिलेशन, उसके अलावा जो है 26S AIS फॉर्म आपको चेक करना होता है। तो इसी टाइप के काफी सारे GST इनकम टैक्स के वीडियोस मैं अपलोड करता रहता हूँ, आप वीडियो जरूर देखिएगा। YouTube पर CA पुनीत जैन के नाम से आपको चैनल मिल जाएगा, बेनिफिट मिलेगा आपको 100% अगर आप कोई भी वीडियो चेक देख लेते हैं, प्लेलिस्ट के अंदर में स्पेसिफिक वीडियो भी देख सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।